नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। खुद को सीएम का ओएसडी बताकर 20 लाख ठगे, 12 लोगों से 6 खातों में जमा कराए रुपए, शिक्षा विभाग के कर्मचारी थे टारगेट। खुद को मुख्यमंत्री का ओएसडी बताकर दो जालसाजों ने 12 सरकारी कर्मचारियों से 20 लाख रुपए से अधिक की ठगी की है। ये रकम 6 से अधिक बैंक खातों में ट्रांसफर कराई जाती थी। इनमें दो खाते भोपाल के हैं। जालसाजों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उनके निशाने पर शिक्षा विभाग के कर्मचारी थे। दोनों बीते 3 महीनों से टीकमगढ़ और निवाड़ी में सक्रिय थे। शुक्रवार को दोनों को जेल भेज दिया गया। साइबर क्राइम पुलिस के मुताबिक टीकमगढ़ में रहने वाले एक वृद्ध ने पिछले दिनों शिकायत की थी, जिसमें बताया था कि उनका बेटा शिक्षा विभाग में पदस्थ है। मुझसे निवाड़ी के सौरभ बिलगाहिया उम्र 32 वर्ष ने संपर्क कर कहा था कि आपके बेटे का ट्रांसफर होने वाला है, मनचाही पोस्टिंग के लिए वह 2.5 लाख रुपए खर्च करे तो उनका काम करा सकता हूँ। भरोसा दिलाने पर सौरभ ने मुझे एक फर्जी ट्रांसफर ऑर्डर दिखाया जिसमें मेरे बेटे का नाम भी शामिल था। मैंने बेटे से कहकर सौरभ के बताए खाते में रकम ऑनलाइन ट्रांसफर करा दी थी। वह खुद को सीएम का ओएसटी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बताता था। रकम मिलते ही फोन उठाना बंद कर दिया। रुपए मिलने के बाद सौरभ ने कॉल अटेंड करना बंद कर दिया। तब बुजुर्ग ने मामले की शिकायत की। इस शिकायत को भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच ट्रांसफर कर दिया गया। इसकी वजह ये थी कि जिस खाते में रुपए ट्रांसफर हुए वह भोपाल का था। मामले की जांच साइबर क्राइम ब्रांच भोपाल से की गई। सौरभ और उसके साथी हरवल कुशवाहा उम्र 23 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया। सौरभ मनी ट्रांसफर वालों से खाते अरेंज कराने का काम करता था। हालांकि ये खाते उन्हें गुमराह कर अलग अलग बहाने से इस्तेमाल कराए जाते थे। दोनों जालसाजों को निवाड़ी से गिरफ्तार किया गया। भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच ने एक शिकायत पर निवाड़ी से सौरभ बिलगाहिया उम्र 32 वर्ष और हरबल कुशवाहा उम्र 23 वर्ष को दबोचा है। शिकायत में आवेदक ने 2.5 लाख की ठगी की बात कही थी। इसके बाद पुलिस ने तकनीकी एनालिसिस और मैदानी स्तर पर साक्ष्य जुटाए। दोनों के पास से 2 मोबाइल और 2 सिम कार्ड को जब्त किया गया। मनी ट्रांसफर करने वालों के खातों में बुलाते थे रुपए। जालसाज कर्मचारी के मोबाइल नंबर पर एक फर्जी ट्रांसफर लिस्ट भेजते थे, जिस व्हाट्सएप नंबर से लिस्ट भेजते थे उसकी डीपी में मध्य प्रदेश सरकार का लोगो होता था, जिसे कर्मचारी आसानी से भरोसा कर लेता था। बाद में सौरभ फोन लगाकर खुद को मुख्यमंत्री का ओएसटी बताता और ट्रांसफर रुकवाने की बात कहता था। इसके लिए बकायदा लेन देन की बात होती थी। खास बात यह है कि ठगी के पैसे प्राप्त करने के लिए वे गाँव के आसपास मनी ट्रांसफर वालों के खातों का इस्तेमाल करते थे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज़।